तीसरी लहर का कितना खतरा। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। मौजूदा समय में केरल में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अब यहां आशंका सताई जा रही है कि क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर केरल से शुरू होने वाली है। फिर भी तीसरी लहर से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, डॉक्टर समीर भाटी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर नगेंद्र शर्मा सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर समीर, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मैं अपने दर्शकों को यहां ये बता दूं कि ये जो सीरो सर्वे है ये बताता है कि उस क्षेत्र में कोरोना वायरस कितना फैला। इससे ये भी समझा जाता है कि जनसंख्या में कितने लोग संक्रमण के संपर्क में आए, उनके रक्त के नमूने लिए जाते हैं, टेस्ट होते हैं और फिर उसका निचोड़ निकालकर एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश होती है। अब जो सीरो सर्वे आया है उससे जुड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर समीर। देखिए, आपको राजनीति पसंद हो या न पसंद हो, लेकिन इलेक्शन टाइम पर रिजल्ट तो आप भी जानना चाहते होंगे डॉक्टर समीर। ऐसे में जब ये लोकतंत्र का महापर्व चालू होता है तो आप हो सकता है एग्जिट पोल्स देखते हो, जिस पर कई चैनल अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देखो हमारे आंकड़े कितने सही निकले, और कई दबी जुबान में फिर उन्हीं एग्जिट पोल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन एग्जिट पोल को नकारने का सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है वो ये कि इतने से सैंपल से इतने बड़ी चीज का पता कैसे लगा सकते हो आप। अब मैं यही कह रहा हूं कि सीरो सर्वे का सैंपल साइज इतना छोटा है और बर्बादी का दायरा इतना बड़ा कि हम राहत की सांस कैसे लें। सीरो सर्वे एक प्रकार का एक मेथडोलॉजी है कि ठीक है, एक हमने प्रिडिक्ट किया कि ये चीजें होने की संभावना हो सकती है। हर चीज हम पूरी स्ट्रेटजीज अपने सीरो सर्वे के अनुसार नहीं चलते। फिलहाल अगर आप बात करें, देखिए काफी हद तक सीरो सर्वे की प्रिडिक्शन उस हिसाब से ठीक भी होती है। ज्यादातर जो आपकी वेव्स होती है वो डेल्टा ड्रीवन होती, सॉरी ये आपकी वेरिएंट ड्रीवन होती है। जिस तरह से सेकंड वेव का अलग वेरिएंट था, फर्स्ट का अलग था, इसलिए वहां पे जो सीरो सर्वे भी हुआ, जो दिल्ली की बात करें या पुणे की बात करें, वहां पे सीरो पॉजिटिविटी 50% से ज्यादा होने के बाद भी इतने केसेस आए। आप इसमें अभी केरला की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा केरला को लेकर कि भाई केरला के अंदर केसेस क्यों आ रहे हैं। अगर हम ओवरऑल अभी जो सीरो पॉजिटिविटी हमारी रेट आई है 67% जो नेशनल वाइज सीरो सर्वे हुआ है, पर वो अलग अलग स्टेट वाइज डिफरेंट। अगर केरला की आप सीरो पॉजिटिविटी की बात करोगे तो केरला की सीरो पॉजिटिविटी में लगभग 42.7% है सीरो पॉजिटिविटी, 50% से भी कम है। तो वहां पर जनता भी काफी ज्यादा ससेप्टेबल है। देखिए ये साइंटिफिक तरीके से होता है। अगर आप ये सैंपल साइज भी हम उठाएं, हर एक एज ग्रुप का सैंपल है, बच्चों के लिए, बच्चों में भी दो एज ग्रुप के हमने सैंपल्स उठाए हैं ना, तो इससे हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया मिलता है। हम ये नहीं कहते, लेकिन पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए डॉक्टर समीर। देखिए राजस्थान के 3 जिले सीरो सर्वे में रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि वो 3 जिले वो थे जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना ने कहर बरपाया था। नहीं, आपने जयपुर को छोड़ दिया, आपने कोटा को छोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उन 3 जिलों के हिसाब से आप 33 जिलों के भविष्य को तय करने वाले हैं कि राजस्थान के 76% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गया। किसी राज्य सरकार ने ना केंद्र सरकार ने बोला है कि आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करना। गाइडलाइंस तो सभी अभी भी उसी तरह की फॉलो करनी है। इवन वैक्सीनेट होने के बाद भी वो चीजें नहीं बोली गई है। तो सीरो पॉजिटिविटी एक आपको आइडिया दे रही है आगे की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, पता करने के लिए। बट ये कभी भी नहीं कहा गया सीरो पॉजिटिविटी रिपोर्ट आने के बाद भी कि आपको अपने गार्ड्स डाउन करने हैं या आपको किसी तरह के सीरो पॉजिटिविटी आ गई तो आपको समारोह करने हैं, आपको अपना अनलॉकिंग प्रोसेस को उतना स्पीड अप करना है और सब चीजें करनी। जी ठीक है डॉक्टर समीर, मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज 18 राजस्थान पर हम दिन भर तमाम तरह की खबरें चलाते हैं, चाहे वो अपराध जगत से हो या राजनीतिक जगत से हो या समाज के सरोकार से जुड़ी हुई हो या फिर रूटीन खबरें हो, और हर एक तस्वीर में ये बात मैं कॉमन देख रहा हूं कि हम उसको ये कह सकते हैं कि भैया यहां तो लापरवाही है, कोविड गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही। हर खबर अपने साथ वही तस्वीरें ला रही है। डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किसी भी चीज को वायरल कर अपनाना हम भारतीयों को खूब आता है। देखिए, एक छोटा सा बच्चा छत्तीसगढ़ का बचपन का प्यार गाना गाता है और वो पूरे इंडिया में फैल जाता है, सब उसे पसंद करने लगते हैं, कई उससे मिलने पहुंच जाते हैं। लेकिन हम ये कोविड गाइडलाइंस के इतना वायरल करने के बाद, इतना प्रचार करने के बाद भी ये नहीं कर पाए कि लोग उसे अपना लें, आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यजनक तो है, पर कई बार क्या होता है हमारी इस तरह की जो बातें होती है, फर्स्ट वेव के बाद भी आपने देखा होगा लोग उस बात को एकदम से भूल गए।
सेकेंड वेव को, तो अभी सेकेंड वेव पूरी तरह से गई भी नहीं है, फिर भी लोग उस बात को थोड़े दिन ध्यान रखते हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं। चलिए, ये जो वायरल कई चीजें हुई, इस बात का तो हमें समझ आया कि ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, पर इतना जो भयावह सिचुएशन हुई थी पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जो चीजें हमने देखी थी, उसको इतनी जल्दी भूल जाना, ये थोड़ा सा बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। और एक बात सबसे ज्यादा यहाँ पर जान लेने वाली जरूरी है कि देखिए, अगर लोग सीरो सर्वे की तरफ भी जा रहे हैं, सीरो सर्वे को देख रहे हैं, चाहे ओवरऑल आप नेशन वाइज सीरो सर्वे देखें, तो भी 30% से ज्यादा जनता तो अभी भी ससेप्टेबल है। इसके अंदर लगभग अगर हम देखें तो वो भी 45 करोड़ के करीब लोग हो गए जो ससेप्टेबल है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं, शायद वो खुश हो रहे हैं कि नहीं ठीक है कि हमारी भी एंटीबॉडीज बन गई होगी। बहुत सारे लोग हैं जिनकी एंटीबॉडीज नहीं बनती एज फैक्टर की वजह से, हो सकता है उनमें कहीं अंडरलाइंग डिजीज हो। इसके अलावा आप ये देखिए, हर्ड इम्यूनिटी का जो टारगेट किया 85%, वो अभी किसने बोला है कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है? सेकेंड वेरिएंट हम देख ही चुके हैं, अभी कोई नया वेरिएंट आया उसकी भी हम लोगों के पास अभी कोई खबर आई नहीं है, क्योंकि जीनोम सिक्वेंसिंग में टाइम लगता है और उसके बाद हमें बाद में पता लगता है कि कोई नया वेरिएंट और ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था। इसके अलावा 18 साल से नीचे वाले तो बिल्कुल भी लोग, बच्चे वैक्सीनेटेड है ही नहीं, उनमें तो कोई वैक्सीनेशन अभी प्रोसेस शुरू हुआ ही नहीं है नए। जी, और बच्चों की जब बात और निकली आप है ये देखिए डॉक्टर जो समीर, तो साधन मैं कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ बाहर निकल रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि रोजमर्रा की जरूरत की चीज के लिए तो वो रोजमर्रा निकल पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हफ्ते की एक लिस्ट बना लें और वो ले लें, और वो जितनी बार बाहर निकल रहे हैं, चल उसको मैं कॉर्नर तक घुमा लाता हूँ अपने बच्चे को, इसी बहाने वो बाहर की भी हवा ले लेगा, ये बोलकर उसको ले जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बच्चों को मास्क पहनवा ले रहे हैं, सैनिटाइजर लगवा ले रहे हैं, कुछ लोग उसकी भी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, बच्चों को लेकर ही और तीसरी लहर को लेकर कितनी कॉन्ट्ररी बातें आई। आईसीएमआर नहीं कहा कि सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, बच्चों पर सबसे बड़ा खतरा है, फिर आईसीएमआर नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। अब सीरो की रिपोर्ट जो कि करवाता आईसीएमआर ही है, वो ये कह रही है कि नहीं, कुपोषित बच्चे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूं, फिर कुपोषित बच्चे दूसरी लहर से कैसे लड़ पाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि सेकेंड लहर तक, फर्स्ट और सेकेंड वेव के अंदर हमारे जो स्कूल कॉलेजेस और सब चीजें हमने बिल्कुल भी ओपन ना की थी, और अभी भी आगे अभी प्लानिंग चल रही है और बिल्कुल उनका मूवमेंट नहीं था। पर सेकेंड वेव के बाद अभी हम जैसे बात करें तो लोगों ने एकदम से कि अभी थर्ड वेव भी आ सकती है, तो किस तरह से एकदम से वेकेशन का प्लान बन गया। और आपने बिल्कुल ठीक चीज नोटिस की कि अब तो बच्चे भी बड़ों के साथ बाहर निकलना शुरू हो गए, क्योंकि पहले तो बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा था, बट अब बच्चे भी जिस तरह से आप देखेंगे ट्रैवलिंग का, घूमने का, उन्होंने भी साथ, तो इस वजह से ये चीज को एक बार अलर्ट किया गया है कि बच्चों में भी अगर हम सीरो सर्वे की बात करें तो 60% के करीब आया है बच्चे की, उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई। और पहले की बात देखें तो बच्चों को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ, पर फिर भी बच्चों के केसेस में भी अगर बच्चे मेल न्यूट्रिशन से इस तरह से जैसे आपने बताया, तो उनको बीमारी उसी तरह से जैसे अडल्ट्स को अफेक्ट करती है करने की संभावना पूरी रहती है। इसी के लिए आईसीएमआर ने इस चीज के लिए अलर्ट जारी किया। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं रह जाता है कि आखिर फिर दूसरी लहर से कुपोषित बच्चे क्यों उतना प्रभावित नजर नहीं आता? डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो पर बात कर रहा हूँ डॉक्टर समीर। इंडोनेशिया में बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हुए, 800 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, गिनती के दिनों में वहां पर 100 से ज्यादा बच्चे धड़ाधड़ अपनी जान गंवाते देखे गए। इसके अलावा जहां जहां तीसरी लहर की बात है वहां पर बच्चे प्रभावित दिख रहे हैं। हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, होंगे भी तो शायद कुपोषित बच्चे होंगे। तीसरी लहर आ सकती है, इसके 99.9% चांस हैं। उसका सबसे अहम कारण यह है क्योंकि हम जो फाइट कर रहे हैं अब उसको एक सिंगल रास्ते पर रख रहे हैं। पहले जैसे हम मल्टीपल रोड्स अपनाने को तैयार थे, अब नहीं है। रैंडम सैंपलिंग्स तो देश भर में अब भगवान भरोसे ही चल रही है, हो भी रही है कि नहीं, अब तो इस बात को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं हो रही। ठीक वैसे ही कंटेनमेंट जोन्स भी लगभग जीरो की स्थिति में, कुछ एक राज्य जरूर छोटे छोटे इलाके को कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी नहीं कर रहे, लेकिन लेकिन नहीं है अब स्थिति उस तरह की। तो ठीक है, अगर आपको सब कुछ खोलना है तो इसे तो फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल अभी बात ठीक कही कि जो इंडोनेशिया है वो हमारा एपी सेंटर बना हुआ है, और इंडोनेशिया के अलावा भी अगर आप बाहर की भी बात करें तो वहां से भी काफी वार्निंग साइंस आ रहे हैं। हम अगर यूएस की बात करें तो वहां पे 52% नए केसेस आ रहे हैं, और इवन यूके के अंदर भी 41% नए केसेस आ रहे हैं, और जितनी भी सारी रिपोर्ट्स हुई है उनमें भी आया। हाँ, कोई रिपोर्ट कहती है कि बच्चे इफेक्ट होंगे, कोई रिपोर्ट कहती है कि बच्चे इफेक्ट नहीं होंगे, बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि देखिए, ये हम
पहले इस तरह की कई प्रिडिक्शंस कर चुके हैं, पर ये बहुत सारी चीजें हमारी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंगली नहीं चलती। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर वही बात है कि जब तक हम अपनी जो सारी चीजें, आपने बिल्कुल इस चीज के लिए बात ठीक कहा है कि ठीक है, एक हथियार है आपका सिर्फ सीरो पॉजिटिविटी, सीरो सर्वे कराना। सीरो सर्वे से बहुत सारी हम स्ट्रेटेजाइज चीजें नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मेन आपका बेसिक वाला जिस चीज पे आपने बात की, जो फर्स्ट वेव से हम करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट वेव में जो कंटेनमेंट जोन बनाना, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेट करना, वो वाली स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा कामयाब है। हम टेस्टिंग को अभी कम नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में भी केसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आप देखेंगे जैसे मॉनसून आता है, मॉनसून के अंदर टेस्टिंग वगैरह किसी रीजन से कराने जा रहे हैं, फिर वो अगर वो पॉजिटिव निकल जाए तो वो अपने सर्कल में बता देते हैं, अगर मैं आपके संपर्क में आया हूं तो आप भी अपना अपना टेस्ट करा लें। बस ऐसे ही लोग टेस्ट करा रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग के नाम पर कोई किसी तक पहुंच रहा है। इसकी गारंटी है मुझे कि राजस्थान में तो नहीं पहुंच रहा, तेलंगाना में नहीं पहुंच रहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंच रहा, पंजाब में नहीं पहुंच रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ कुछ जगह के लिए कि जैसे आपको ट्रैवल करना है तो वहां के लिए आपको टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको और कुछ चीजें में कहीं कहीं पे आपको रिक्वायर्ड है कि कहीं आपको कोई इवेंट अटेंड करना है उसमें आपको टेस्ट करा के जाना है। पर जो रैंडम आप टेस्टिंग बात कर रहे हैं वो फिर भी कुछ शहरों में कहीं काफी हद तक थोड़ा हो रहा है रैंडम टेस्टिंग, बट अदरवाइज हम बात करें तो शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर समीर और डॉक्टर नगेंद्र आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें करने के लिए, लोगों को सुझाव भी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।